अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं महजाब शेख डोंगरी एक्सप्रेस से इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के दारूखाना इलाके पर, जहां नेश फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहां पर मौजूद है। सर, आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा, दो शब्द इस बारे में। मैं सीनियर पी है शिवड़ी पुलिस स्टेशन। अभी आज मुझे पता चला कि यहाँ पर ब्लड कैंप है, ब्लड डोनेट का काम हो रहा है। बाद में ये नॉर्मल जो अपना चेकअप रहता है, बॉडी चेकअप पूरा हो रहा है कि जेंट्स ग्रुप ऑफ बाइकला की तरफ से ये इतना अच्छा काम हो रहा है, इसकी हमें खुशी है। ऐसे काम हमें है चलने दो। देखो, अभी इस वक्त मुंबई के अंदर ब्लड की बहुत शॉर्टेज है, और ये एक्यूट शॉर्टेज करने के लिए नेश हमेशा ब्लड डोनेशन के लिए एक मूवमेंट चालू किया है। ये भी एक कोशिश है, आज यहाँ भी चल रहा है और वाशी में भी दो जगह पे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। तो ये जायंट ग्रुप ऑफ बाइकल्ला के साथ हमने यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप रखे है, हम लोग ने मेडिकल कैंप रखे है, हम लोग ने यहाँ पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कैंप रखे कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है। और ये जो जगह है हमारी, यहाँ से हम लोग हमारा कम्युनिटी किचन क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम खाना बना के लोगों में तकसीम करेंगे। ये जो ब्लड डोनेशन का है, ये ब्लड डोनेशन का है या सिर्फ चेकअप भी है, या और क्या क्या हो रहा है? ये ब्लड डोनेशन कैंप भी है, इसमें चेस्ट का चेकअप होएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल प्रैक्टिशनर्स लोग भी है, और दूसरी सब भी मेडिकल जो भी एलिमेंट्स है उसके लिए चेकअप होएगा। लगभग अभी तक कितने फॉर्म जो है वो जमा किए होंगे? अभी तक तो 78 हो चुके हैं, और जैसा फ्लो है वो हिसाब से 100 तो ऑब्वियसली क्रॉस हो ही जाएंगे। बहुत अच्छा फ्लो लग रहा है, बहुत लोग खुद से आके डोनेट। लोगों में जो है एक डेवलपमेंट आया है डोनेट करने के बारे में, नेश और जायंट्स ग्रुप की तरह जैसा जिस तरह से उन लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं, इस हिसाब से बहुत जागरूक हो रहे हैं लोग। और ऐसे ऐसे लोग ऐसे एरियाज में भी, छोटे ऐसे एरियाज में भी लोग बहुत ब्लड डोनेशन को आगे आके खुद से कर रहे हैं। मैं निशुल कपाड़िया हूँ, और आज का जो कैंप हमने किया है स्पेशली दारूखाना में किया हुआ है कि जहाँ पे बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने जायंट्स ग्रुप बाइकल्ला इन एसोसिएशन विद नेश वेलफेयर फाउंडेशन हमने ये पूरा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे हमारे 4 फैकल्टीज़ के डॉक्टर है, एक जनरल फिजिशियन है, एक चेस्ट फिजिशियन है स्पेशली लेडीज़ के लिए, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, प्लस ब्लड फ्री टेस्ट है, उसमें है CBC, रैंडम शुगर, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन, ये फ्री में है। जो टेस्ट मिनिमम 500 रुपये लगता है, तो आज उनके लिए सबके लिए ये फ्री टेस्ट है। प्लस वी हैव डन द ब्लड डोनेशन ड्राइव। ब्लड की बहुत कमी है, हमें बहुत हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और लॉट्स ऑफ डिजीजेज विच इज़ गोइंग अराउंड, मलेरिया, डेंगू, यहाँ पे ब्लड की बहुत कमी है। तो जितना हो सकेगा हम लोग सब ब्लड यूनिट्स जमा करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक दिस कैंप वेरी गुड एंड सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। मैडम, ये जो प्रोग्राम रखा गया है इस बारे में आपका क्या कहना है जायंट ग्रुप की तरफ से? मैं जायंट्स ग्रुप एंड नेश फाउंडेशन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो दौर चल रहा है गए 2 साल से, कोविड का दौर चल रहा है, इसी के दौरान आदर जो डिसीज होते हैं उनको भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा उसकी तरफ कोविड को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो डिसीज कहीं ना कहीं छिप जाते हैं या लोग बाहर आके नहीं बताते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, आर्थों का कोई प्रॉब्लम है। तो इन्होंने ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल टू कम आउट एंड चेक देम हेल्थ वाइज वेयर दे आर स्टैंडिंग। जैसे कि यहाँ देखा गया भाईकल्ला के लोगों में एक अलग से एक जागरूकता आई है, लोग यहाँ बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है मैडम? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं भाईकल्ला विधानसभा से बिलोंग करती हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी कि भाईकल्ला विधानसभा हमेशा इसी तरह के काम आगे लेके जाएगी। मैंने लगभग 10 से 15 लोगों को देखा, और सबसे बेस्ट बात है इसमें कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्टिंग सब कुछ फ्री है, तो काफ़ी लोग जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे उनका भी ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो हाई आया है, तो जल्दी डायग्नोसिस हो गया है। शुगर का भी वैसा ही है, जो उनको लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बट वो भी अब नॉर्मल आया है। सो अर्ली डायग्नोसिस इज द की, और जल्दी डायग्नोस करेंगे तो जल्दी से ट्रीटमेंट होएगा, तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कैंप्स होने चाहिए। मैं नूरुद्दीन सेववाला, मैं डिप्यूटी वर्ल्ड चेयरमैन जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन का हूँ, और मैं ये पूरे इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम हो रहे हैं वो उसका मैं इंचार्ज हूँ। जायंट्स ग्रुप के? जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के। ये जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो नाना चुड़ासमा ने जो स्टार्ट किया था, और अभी साइना एनसी हमारी वर्ल्ड चेयरपर्सन है,
इस टाइम जायंट्स पूरा इंडिया में जायंट्स सर्विस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और 17 सितंबर से 23 सितंबर तक पूरे इंडिया में जिस तरह आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव और मेडिकल कैंप हो रही है, वैसे ही पूरे इंडिया में, पूरे बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हर एक ग्रुप कम से कम 20-25 प्रोजेक्ट्स करते हैं पूरे हफ्ते में। और इस तरह जिस तरह हमने कोविड में करोड़ों रुपए की सेवा की है, ये 7 दिन में हम पूरे इंडिया में करोड़ों रुपए की सेवा करेंगे और लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा, जिसमें हम ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन ड्राइव और मेडिकल कैंप और बच्चे लोग को एजुकेशन फी, ये सब हम देंगे। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे जोहर भाई दीवान को, नेश फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है मैंने, और जॉइंट ग्रुप वाले को निशिन कपाड़िया है उनको, और नूरुद्दीन सेवाला हमारे दोस्त, काफ़ी पुराने दोस्त है उनको भी, जो इनकी मेहनत है। आज मैं देख रहा हूँ रंगलाई है काफ़ी, इधर गरीब झोपड़पट्टी एरिया है या दारूखाना एरिया है, मीरा दातार की दरगाह है उसके बिल्कुल करीब में, काफ़ी झोपड़ गरीब लोग हैं तो उनका फ्री में मेडिकल चेकअप हो रहा है और उन लोग के पास पैसे नहीं है, सब महंगे महंगे टेस्ट कराने के लिए। तो ये जो ग्रुप है हमारे वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है काम में और मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आपने देखा ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप रहा जो कि जायंट्स ग्रुप एंड नेश ग्रुप्स की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। मुंबई से जिशान शेख के साथ मैं महजाब शेख, डोंगरी एक्सप्रेस।